वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि आज हम बात करने वाले हैं आरसीबी टीम यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के बारे में, जहां पे हम बताने वाले हैं कि क्या आरसीबी का एक और पुराना प्लेयर क्या आप लोगों को नेक्स्ट सीजन देखा जाए आरसीबी टीम में शामिल होता हुआ नजर आएगा। देखिए जाहिर सी बात है आरसीबी के फैंस तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उस प्लेयर को, हम बात कर रहे हैं फिन एलन की। जी हाँ, फिन एलन देखा जाए मुझे जहाँ तक याद है कि 2021 हो गए, 2022, 2023 लास्ट के 3 सीजन देखा जाए आरसीबी टीम का पार्ट थे, लेकिन इस सीजन देखा जाए उन्हें रिलीज कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं आरसीबी के फैंस बहुत ज़्यादा नाराज थे कि आपने एक इतने अच्छे प्लेयर को देखा जाए रिलीज़ कर दिया, और जबकि उन्हें एक भी बार देखा जाए खेलने का मौका नहीं दिया। एटलीस्ट आप उन्हें कुछ मैचेस देते तो कहीं ना कहीं उनकी पोटेंशियल मालूम चल जाती, क्योंकि अगर हम देखें तो इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्म में आप लोग को देखने को मिलते हैं फिन एलन। अगर T20 की बात करेंगे तो 160-165 का उनका देखा जाए अच्छा खासा स्ट्राइक रेट रहता है, लाइक जैसा कि आप लोगों ने विल जैक्स का देखा होगा। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर फिन एलन शायद आप लोग को आरसीबी टीम में एंट्री मारते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि देखिए आरसीबी टीम ने क्यों उन्हें रिलीज़ कर दिया, क्योंकि उनकी टॉप ऑर्डर में जगह नहीं बन रही थी। और टॉप ऑर्डर में जगह क्यों नहीं बन रही थी, क्योंकि आरसीबी के पास फाफ डुप्लेसी देखा जाए उनके टॉप ऑर्डर में ओपनिंग करते थे। तो कहीं ना कहीं फाफ डुप्लेसी नेक्स्ट सीजन रिटायर हो जाएंगे या फिर को आरसीबी टीम रिलीज कर देगी उन्हें, तो कहीं ना कहीं आरसीबी के पास एक अच्छा खासा ओपनिंग का देखा जाए ऑप्शन खुल जाएगा। तो मेरे हिसाब से फिर फिन एलन एक ऐसे प्लेयर रहेंगे जो आप लोगों को देखा जाए खेलते हुए नजर आ जाए, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है आरसीबी टीम को टॉप ऑर्डर में एक अच्छा खासा पावर रैक चाहिए पड़ेगा विराट कोहली के साथ, और फिर आरसीबी के मिडिल ऑर्डर में तो जाहिर सी बात है विल जैक्स रहेंगे ही रहेंगे, रजत पाटीदार रहेंगे ही रहेंगे, और फिर एक दो ऑलराउंडर होगा या फिर विकेट कीपर को भी आरसीबी टीम टारगेट करेगी। तो मेरे हिसाब से अगर फिन एलन आरसीबी की टीम में आते हैं और फिन एलन एक एडवांटेज और लेके आते हैं कि कहीं ना कहीं आपको एक विकेट कीपिंग का ऑप्शन भी देते हैं, तो आपको एक और जो एक्स्ट्रा विकेट कीपिंग कैरी करना पड़ेगा मेरे हिसाब से उसकी दिक्कत काफी हद तक दूर हो जाएगी। फिर आरसीबी का टॉप 4 टॉप 5 देखा जाए अच्छा खासा देखा जाए देखने को मिलेगा, जहां पर विराट कोहली एक अच्छे खासे प्लेयर रहेंगे जो कि देखा जाए पूरी इनिंग बिल्ड करेंगे, और उनके इर्द गिर्द देखा जाए जैसे कि 160 की स्ट्राइक रेट से फिन एलन खेलेंगे, 155 की स्ट्राइक रेट से विल जैक्स खेलते हुए नजर आएंगे, फिर सेम स्ट्राइक रेट आप लोग रजत पाटीदार का भी देखोगे, तो कहीं ना कहीं अच्छे खासे देखा जाए पावर हिटर प्लेयर देखने को मिलेंगे। मेरे हिसाब से फिर आरसीबी टीम आराम से अच्छी खासी पोजीशन में आ जाएगी, लेकिन अभी बात करें तो आरसीबी टीम जरूर से ऐसे प्लान बना रही होगी जिनमें देखा जाए वो यंग प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि ये सीजन तो आरसीबी टीम का लगभग खत्म हो चुका है, आने वाले 6 मैचेस हैं। अब आरसीबी टीम उन्हें जीत भी जाती है तो मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा नहीं। तो ये सारी की सारी अपडेट थी आरसीबी की टीम को लेकर जो मैंने बता दी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो में।